Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy, Azu here. We guys are back with another reaction video. Guys, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आज़ुराबी गैंग को ज्वाइन करो और हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम रॉब एंड आज़म व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो के टाइटल की। तो गाइस, आज जो प्रोडक्शन लेने वाले हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे प्लेयर बॉलर के ऊपर है, वो है मोहम्मद सिराज। उनके एटिट्यूडमेंट्स हैं, देखते हैं और एंजॉय करते हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत ही ऑसम परफॉर्म किया था, सो लेट्स वॉच। का टारगेट अल्लाह ताला से शुक्र अदा करती हूँ, मेरा बेटा इंडिया का नाम रोशन करे, मेरा बच्चे का परफॉर्म अच्छा रहे, मेरा बच्चा और आगे जाए, वर्ल्ड कप भी खेले मेरा बच्चा। अब अपनी कंट्री के लिए खेलते, मतलब एक प्राउड फीलिंग रहती है कि अपने कंट्री को खेल रहे और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे। खेलता हूँ तो मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। मजा नहीं आ रहा है।
दोस्तों क्या हुआ जब नवदीप सैनी ने स्टार्क को बीमर फेंक दिया, उसके बाद अगले ही बॉल पर स्टार्क आउट हो जाता है और जब स्टार्क पवेलियन की तरफ लौट रहा था तो उन्होंने सिराज को धमकी दे दिया। आप भी सुनिए उन्हीं की जवानी। सैनी ने बीमर फेंक दिया तो वो गुस्सा हो गया, फिर वेरी नेक्स्ट बॉल वो आउट हो गया तो मैं स्पाइन लेग पे खड़ा था, मैं ऐसे रिटर्न जा रहा था तो स्टार्क कहता है कम टू योर बैट आई बोल्ड बाउंसर यू। बोला मैं ये क्या हो गया भाई, मैं थोड़ी बाउंसर डाला उसको। तो मैं बोला उसको ओके ओके यू बोल्ड बाउंसर आई लव टू प्ले बाउंसर। बोला बता अपन भी थोड़ा एटीट्यूड में बोल दी, मैं एक भी बॉल फेस नहीं करा बट आइयो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो भैया से पूछा था, भैया आप मेरा घर पे डिनर रखना हो आप आ रहे हैं? भैया बोले हाँ हम यहाँ क्यों नहीं आएंगे घर विराट। हाँ तो मैंने पूरा अरेंज कर लिया, अपनी टीम को बोल दिया, मैं भैया को कॉल किया भैया आप आ रहे ना? नहीं मैं यहाँ थोड़ा मेरा बैक स्टीप दिख रहा था मुझे रेस्ट की जरूरत है तो मैं कल मैच भी ठीक है भैया कोई नहीं आप रेस्ट करो। फिर जैसा आए पूरे जैसा डोर खोले विराट बोले सीधा तुरंत भागते हुए तो वीडियो उसके अंदर बताया गया कि मोहम्मद साहब के एडिट मोमेंट्स भी थे, हम्बल मोमेंट्स थे, खूबसूरत मोमेंट्स थे, बहुत शेगिटिंग मोमेंट्स थे। देख के बहुत अच्छा लगा कि कैसे पहले जो आए वो टीम में तो उनकी बॉलिंग की इतनी खास की वो नहीं थी, बस पेस तो थी, इनके बाद की लाइनें अच्छी नहीं थी लेकिन टाइम उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और दुनिया के नंबर वन बॉलर बन गए जैसे कि बताया गया। और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने आउट क्लास परफॉर्म किया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में और एशिया कप 2023 में भी बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया था उन्होंने। ही वॉज मैन ऑफ द मैच आई गेस इन द फाइनल वर्सेज श्रीलंका और देख के बहुत अच्छा लगा। और ये एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इनके फादर एक ड्राइवर थे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ही प्लेड क्रिकेट और हार्ड वर्क करते रहे और देखें आज ऐसी हिस्ट्री। और इसके अंदर विराट कोहली के मोमेंट बड़ा अच्छा लगा कि विराट कोहली ने मिलने आना था, इन्होंने इन्वाइट किया हुआ था तो उन्होंने कहा था मैं आऊँगा लेकिन एडलैंड उन्होंने मजाक में कहा कि मैं नहीं आ रहा उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए, तो पूरी इनकी फैमिली वेट कर रही थी लेकिन उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आ गए और वो कैसे पिक्चर भी देखी है पूरी फैमिली से मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा देख के, वाकई में बहुत अच्छा लगा। एंड ही इज़ लाइक अ गुड बॉलर, उन्होंने बहुत मेहनत की एंड ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट इन हिज वर्क बट जो उनके पास स्किल्स हैं वो उसमें बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स द गेस्ट बेस्ट थिंग। मुझे इनके बारे में इतना नहीं पता, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है मोहम्मद सिराज को, लाइक देखा होगा लेकिन मुझे इतना पता नहीं था इनका। सो अच्छा लगा देखकर एंड बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन टू अर्थ है क्योंकि उनकी बैकग्राउंड भी वही है। सो बैकग्राउंड डज नॉट मैटर एक्चुअली, आपको हार्डवर्क अगर आप करते हो तो इट पेज ऑफ। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु आर वॉचिंग और वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए इस तरह के जो प्लेयर्स है ना वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं, फिर वो उसको लेकर चलते हैं आगे। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू कैन एंजॉय किया, अगर किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो से। अल्लाह हाफिज़।